थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश। 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी जैसे वादे के साथ सरकार में आई कांग्रेस के लिए किसानों का कर्ज माफ करना आसान नहीं। आदिवासी झाबुआ अलीराजपुर जिले में कांग्रेस को अपना वादा पूरा करने के लिए 1,35,000 किसानों का 750 करोड़ रुपयों का लोन माफ करना होगा। अब जिम्मेदार सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। आदिवासी झाबुआ के अलीराजपुर जिले के अधिकांश किसानों ने सहकारी बैंकों में कृषि लोन ले रखा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत झाबुआ जिले की 46 और अलीराजपुर जिले की 26 सहकारी संस्थाओं से 1,35,000 किसानों का 750 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जिसमें 330 करोड़ रुपए का कर्ज 50,000 डिफॉल्टर किसानों पर, जबकि 85,000 किसानों का चालू वर्ष का करीब 420 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। बैंक की ओर से 15 जून 2018 तक अंतिम तारीख तय की गई, लेकिन कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे के बाद बैंक के डिफॉल्टरों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ। हालांकि जिम्मेदार कर्ज माफी की तैयारी की बात कहकर शासन के निर्देशों का इंतजार भी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान इस बात के ऐलान के बाद कि सरकार में आते ही 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, जिसके बाद डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है। हमारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक झाबुआ जो है, इसमें 72 संस्थाएं हैं और लगभग 1,35,000 किसान हमारे हैं, जिन पर लगभग 750 करोड़ रुपए बकाया है। और हमारी पूरी तैयारी है, उनकी सूची हमारे पास तैयार है, ओवरड्यू की सूची तैयार है, ड्यू की सूची तैयार है। जैसे आपको निर्देश मिलेगा उसके हम तत्काल का पालन करेंगे, हम लोग तैयारी पूरी करेंगे। मुकेश हमारे संवाददाता है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अब किसानों का इंतजार इस बात का है कि सरकार की तरफ से कर्ज माफी का ऐलान 10 दिनों के अंदर ही होता है या फिर उनका इंतजार बढ़ सकता है। फिलहाल क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कर्ज माफी करना सरकार के लिए भी। दर्शकों को कर्ज माफी के लिए जानकारी, कर्ज माफी की चर्चाएं चुनाव से पहले इतनी बड़ी स्तर पर हुई थी, जितने वोटिंग के बाद और परिणाम आने के बाद अभी हो रही है। नई सरकार के लिए अपने इस वादे पर कुछ ना कुछ इतना करना जरूरी हो गया है कि हर कोई जवाब मांग रहा है कि सोशल मीडिया से लेकर आम चौराहे तक यह मुख्यमंत्री पद की शपथ होने और मंत्रिमंडल के गठन पहले ही जिला सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों की जानकारी मांग लेंगे। की बात करें तो वहाँ सहकारी बैंक के प्रमुख जानकारी पूरे जिलों के संबंध में भेजी गई, जैसे कि अलीराजपुर के मुख्यालय यह भी है। इससे कामकाज यहाँ देखा जा रहा है, इसलिए सहकारी बैंक ये जानकारी पत्र मिला है। सहकारी बैंकों का कहना है कि जानकारी पत्र मिला है और शुक्रवार शाम तक जानकारी मांगी गई है, और अधिकारियों का यह कहना है कि हमने पूरी सूची। जो आपने जानकारी दी कि डिफॉल्टर्स की संख्या में अब तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कितना अंतर देखने को मिल रहा है? जिसमें बकायदों की जानकारी, मूलभूत ब्याज और ओवर ड्यू की जानकारी, लोन और श्रेणी वगैरह कुछ पूछा गया है, जिससे किसानों की जानकारी वर्गवार की गई है। सीमांत पर किसान, मध्य किसान श्रेणी में है, अन्य श्रेणी के दोनों जिलों की बहुत सोसाइटी में से 2,00,000 के लगभग बकायदा की सूची तैयार की गई। दोनों जिलों के खातेदार की संख्या लगभग इतना बकायदा है कि जिले खातेदार हो 2,50,000 के करीबन है और 4,50,000 करोड़ रुपए का लगभग है किसानों का। फिलहाल मुकेश कितने उम्मीद की जाए, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी नहीं हो पाया, जबकि 11 दिसंबर को नतीजे आ चुके हैं, तो संभावनाएं क्या बन पा रही कि 10 दिनों के भीतर सरकार अपने उस वादे पर अमल कर पाएगी? देखो, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी मुख्यमंत्री ने अभी शपथ नहीं ली, ऐसे में सिर्फ कर्ज माफी माफ होना एक बड़ी गंभीर समस्या है कांग्रेस सरकार के लिए। अब बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश 33,00,000 किसान को 30,000 करोड़ रुपए की आसपास लगभग बताई जा रही है, तो एक बड़ी मुश्किल है। मंत्रिमंडल तैयार होगा करीबन 10-15 दिनों के, जो विस्तार मंत्रिमंडल होने में समय लगेगा, अभी 10 दिन में मुमकिन नहीं है, बड़ी समस्या है कांग्रेस के लिए। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अब जिम्मेदारी सूबे की नई सरकार पर है कि जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है, लेकिन फिलहाल जो हालात इशारा कर रहे हैं वो इस तरफ इशारा तो कम से कम नहीं कर रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे
मुख्यमंत्री के चेहरे का तो ऐलान हो चुका है, अभी कैबिनेट का भी गठन होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसके बाद ही सरकार इस संबंध में कोई फैसला लेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।